भारत इस वक्त कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से परेशानी में है। सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर रखा है। तमाम सेलिब्रिटी आगे बढ़कर इस मुश्किल वक्त में सहायता राशि दान कर रहे हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी लॉकडाउन की वजह से खाने को मोहताज हुए मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाए हैं। शनिवार को सानिया मिर्जा ने उन सभी लोगों को फटकार लगाई जो इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस वक्त पूरा भारत बंद है। सभी को अपने अपने घर पर रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने भी 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर रखा है और पुलिस जगह जगह पर यह सुनिश्चित कर रही है कि बिना वजह कोई भी घर से बाहर न घूमे। घर पर बैठे लोग सोशल अकाउंट पर अपने कुकिंग के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ खाने की तस्वीरें लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यह बात सानिया मिर्जा को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शनिवार को उन सभी को इस बात के लिए जमकर सुनाया। सानिया ने लॉकडाउन की वजह से खाने को मोहताज हुए लोगों की तरफ ध्यान दिलाते हुए लिखा कि अब तक हमारा मन नहीं भरा खाना बनाने वाले वीडियो और खाने की तस्वीरें पोस्ट करते हुए। बस एक बात बतानी थी, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं खासकर हमारे पास इस दुनिया में जो भूख की वजह से मर रहे हैं और दिन भर खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि अगर उनका भाग्य हो तो उन्हें एक वक्त का खाना नसीब हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि सानिया मिर्जा के इस तरह से फटकार लगाने के बाद क्या सोशल मीडिया पर खाना बनाने और खाने की तस्वीरें शेयर करने की फोटोज शेयर होने का सिलसिला कम होता है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।